एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, वो पीछे का है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ हॉल में। अभी मैं किसी के यहाँ घूमने जा रही हूँ। बाबू सोया है, धूप तो तेज़ है लेकिन धूप में ही मुझे निकलना होगा क्योंकि फिर फुर्सत नहीं मिलता है। उठेगा तो वो एक तो नया जगह है, दूसरा उसके दिमाग में ये चलते रहता है कि ये घूमने जाती है तो मुझे भी जाना है। और ये ड्रेस जो मैं पहनी हूँ, मैंने दिखाया था आप लोगों को ये कपड़ा जब लिया था तो इसको खुद से सिला हुआ था। तो ज़्यादा कपड़ा तो मैं इस बार लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन जो भी लेकर आई हूँ मैं साड़ी पहनने का हर दिन सोचती हूँ लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलता है। होली में होली खेलना था तो छुट्टक हो गया तो उसमें होली भी नहीं खेल पाए, तो उस दिन भी मैंने स्कर्ट और टॉप पहन लिया था। आज ये सूट पहनी हूँ, अभी तक एक भी दिन मैंने साड़ी नहीं पहना है। यहाँ पर टेढ़ीहाम मंदिर जाना होता है लेकिन टेढ़ीहाम मंदिर भी मैं नहीं गई क्योंकि छुट्टक था। तो आज 11 दिन हुआ था, अब तो कोरोना फिर से प्रचंड हो गया है, हर जगह हर चीज़ लॉकडाउन हो रहा है। पता नहीं हम लोगों का कब वापसी होगा। बाबू का भी अभी 11 तारीख कल से यानी 7 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा। बुक वगैरह नहीं मिला है तो वो भी घर से ही करवाना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही हूँ। पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, 2 साड़ियाँ मैंने खरीदी थी। बस ऐसे ही, कुछ ओकेजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ कम कीमत में मिलता है पटना के मुकाबले, इसलिए मैंने वो 2 साड़ी ली थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सा साड़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और उसका मैं यहाँ बैठे बैठे ब्लाउज भी बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठ कर करूँगी क्या। तो चलिए, अभी किसी के यहाँ घूमने जाना है, उसके बाद आकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। बैकग्राउंड सब इग्नोर करिएगा, धीरे धीरे अभी बन ही रहा है, अभी बना नहीं है। इधर भी इसी तरह से है, अधूरा है, काम जारी था लेकिन अभी 2-3 दिन से काम बंद हो गया है। कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और आंगन का तो सीन आप लोगों ने देखा ही है, अभी मैं और भी दिखा देती हूँ। धूप है, ये देखेंगे। ये आंगन भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये सब देखने को शहर में आपका मन तरस जाएगा। वो जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, वो पूरा पान का पत्ता है। पान है, ये अड़हुल है, पिंक अड़हुल है। और वो जो साइड में आप देख रहे हैं उसको हम लोग मुर्गा फूल कहते हैं। बिहार में ये सब प्रसिद्ध है। कोई अगर कहे कि मैं नहीं जानती हूँ बिहारी होकर के, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं जानती होंगी। और नीचे में मिर्ची वगैरह गेंदा लगा हुआ है सारा चीज़। और ये रोज रेड और काफ़ी कलियाँ इसमें दिया हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, सारा चीज़ है। अब यहाँ पर मैं देखिएगा, मैं वो रामनवमी का क्लिप ऐड कर रही हूँ। था तो बहुत वीडियो लेकिन अब चूँकि काफ़ी लेट हो गया है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रामनवमी में हम लोगों के यहाँ क्या बनता है। तो यही शुद्ध घी में बनता है, तो मम्मी ने उसके लिए बना लिया था। नवेद जो होता है प्रसाद चढ़ाने के लिए मम्मी ने बना लिया था क्योंकि वही हमारे ससुराल में तो इतनी परेशानी होती है कि आप समझते ही हैं। लेकिन मम्मी ने 10-11 बनाने के बाद मम्मी उधर पूजा में चली गई, तो बाकी जो बचा मैं बना रही हूँ। ये शुद्ध घी में बनाया जाता है, मैं तो इसको हाथ से ही इस तरह कर करके बना रही हूँ। और जैसे बरसात वगैरह में बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं ठेकुआ। और ये जो बनता है रामनवमी में, इसको हम लोग कहते हैं रोट। तो ये रोट मैं बना रही हूँ शुद्ध घी में, बाकी जो बचा है उसका, और बाकी तो पूजा के लिए मम्मी ने बना लिया। और अब इसके बाद मैं दिखाऊंगी पूजा हम लोगों में कैसे होता है। और इसीलिए मैंने ये क्लिप शूट किया है और आप लोगों को दिखाया है, वीडियो डाला है, ताकि कभी 10-5 साल बाद अगर देखूँ तो याद आए। अभी आंगन में खाट है, इसको हटाना है। ये मेरी मम्मी है और ये देखेंगे इस तरह बांस काट कर फिर उसको कलर किया जाता है। जो लाल लाल आप देख रहे हैं ये वाइट और ग्रीन, वाइट और रेड है। तो शुद्ध घी में सिंदूर को डालकर एक बांस का जो एक पोर होता है उसको सिंदूर और घी से लपेटा जाता है। दूसरा जो है चावल का अरहन बना के उसको पीस कर बनाया जाता है। तो ये मेरी मम्मी है, यहाँ पर ये धजा बांधा जाता है। और उसमें आप लोगों में से कई के यहाँ होता होगा, जिनके यहाँ होता है ज़रूर बताइएगा। और इस तरह पल्लव बांध के, और ये जो धजा का पल्लू होता है इसमें लड्डू बतासा और पैसा बांधा जाता है। और उधर जो कॉर्नर में वो जो ऊपर चढ़ रही है वो मेरी छोटी वाली चाची है, उनका वो घर है। इधर नया ही वो भी बनाई हैं। और उसमें जो पल्लू में, बजरंगबली के पल्लू में जो मिठाई और पैसा बांधा जाता है, वो ध्वजा गाड़ने के बाद वो हवा चलती है। ये नियम है, कुछ दिन हवा चलती ही है और उसके बाद वो पल्लू से पैसा मिठाई गिरता है। तो जो पा लेता है वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। और वाकई प्रसाद को पाना बहुत ही, कई लोग आंगन में रहते हैं, भीड़ इकट्ठा होता है, उसमें से कई लोगों की नज़र उस पर टिकी रहती है। लेकिन जो दौड़कर पहले ले ले, जिसकी नज़र रहती है कि ये कब खुलेगा कब गिरेगा, हल्के से गांठ लगाया जाता है। और पुराना जो ध्वजा होता है उसको सुबह ही उखाड़ दिया जाता है। और ध्वजा गाड़ने के समय भी
उसके अंदर पैसा डाला जाता है। तो ये एक धागा होता है जिसको कि आप नारियल का धागा कहते हैं, उसमें आम के पल्लू को डालकर इस तरह सजाया जाता है और पूरा लपेटा जाता है। तो अभी मम्मी कर रही है, बाबू यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है और उधर मेरा पूजा का घर है अंदर में। वो क्लिप में नहीं शूट कर पाए, उस घर में ही मुझे ज़्यादा मन लगता था। ये मेरी बड़ी माँ है और उधर जो अंदर गई वो चाची थी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी माँ है। तो ये लोग सब आपस में मिलजुल कर आप समझ सकते हैं अब आप लोग, इसलिए मैंने ये क्लिप शूट किया है। अब 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल अगर मान लीजिए हम रह गए चाची के की जाए तब पापा जी तुलसी पिंडा भी पूजा करे ना, तो कम से कम इतना तो होगा कि लोग इस तरह से पहले करते थे। ये YouTube पर वीडियो अगर मान लीजिए रह जाए, जिस तरह की अभी हम लोग देखते हैं 11 12 साल पुराना वीडियो है। ये मेरे पिताजी हैं, ये पूजा करके आ गए हैं। अब ये फूल तोड़ने शायद जा रहे हैं। इधर अंदर में पहले पूजा कर लिया गया है, तब बाहर में काम होगा। तो ये बजरंगबली का पूजा करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी नहीं समझ पाई क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चूँकि ये धजा धजा रखा हुआ है तो इसको वो पैर से तड़प कर नहीं जा सकते हैं, उसको इतना घूम कर चक्कर लगा कर ही जाना होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पूजा शुरू हो गया है, पंडित जी लोग आ गए हैं। काफ़ी वेट करना पड़ता है क्योंकि उस दिन पंडित जी कई के घर में कराते हैं, हम लोगों के मायके में घर घर ये होता है ये पूजा। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं। कोरोना के कारण थोड़ा सा कम भीड़ है क्योंकि उसमें कोरोना शुरू हो चुका था, शुरू क्या बहुत आगे बढ़ चुका था, क्योंकि 21 अप्रैल है आज के दिन जिस दिन ये पूजा हो रहा है। तो यहाँ पर जिसके घर में नहीं होता है अगल बगल में, वो लोग क्या करते हैं, प्लेट में प्रसाद करके यहाँ पर रख देते हैं। पूरे जितना भी तुलसी का जो पिंडा होता है उससे पूरा प्रसाद भरा रहता है। जिनके घर में फूल होता है वो फूल लेते आते हैं, ये तुलसी का पौधा है, तो सारा प्रसाद वगैरह रखा रहता है। और यहाँ पर पंडित जी पूजा करा रहे हैं और ये आम की लकड़ी है जो कि हवन होगा। और इधर अंदर की तरफ मेरे बड़े पापा चाचा सब जो अगल बगल के लोग आए हैं वो लोग बैठकर देखते हैं पूजा। और उसके बाद पूजा होने के बाद फिर धजा को 5 लोग मिलकर गाड़ते हैं और फिर आरती होती है, फिर प्रसाद बांटा जाता है, ब्राह्मण भोजन होता है। तो ये सब पर्व, देखिए पर्व जो होता है मन को बिल्कुल सुकून देने वाला होता है, उसी के अनुसार कम से कम इंसान तैयारी तो करता है, नहीं तो सब दिन जैसे करता है वैसे सारा दिन कट जाए। लेकिन अगर कोई मान लीजिए व्रत त्यौहार पर्व पूजा पाठ होता है तो उसके अनुसार लोग तैयारी करता है। तो इसीलिए मैंने इस क्लिप को शूट किया था, यादगार पल बनाने के लिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखकर पूजा पाठ का। तो इसे भी कोई वीडियो, और इधर साइड में आप देख रहे हैं ना, इतना बालू का जो है लगा हुआ ढेर वो अंदर से निकाला गया है। कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, ये मेरी मम्मी पकड़ी हुई है, और अभी मेरी मम्मी साड़ी बदल ली क्योंकि उसको पकड़ना होता है। कुछ लोग नहीं भी आ रहे थे, लोगों को नहीं भी बुलाया जा रहा था। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे बड़े पापा हैं, और ये पीछे में मेरे छोटे चाचा हैं, यही मेरे पिताजी, यही 3 भाई हैं। उधर पंडित जी बैठे हैं, 2 धजा इसमें लगता है, एक मेरी छोटी चाची का, एक मेरी मम्मी इसमें गाड़ती है। मेरी बड़ी माँ लोग जो है गाँव में कम ही रहती है, बोकारो में रहती है, वहाँ सब बोकारो में, दिल्ली में अलग अलग जगह अपना घर है, लेकिन अभी यहाँ पर हैं वो। लेकिन वो धजा मदद बहुत कर देती हैं, लेकिन 2 ही धजा इसमें गाड़ा जाता है। तो यहाँ पर मम्मी एक पकड़ी है, ये जो लाल वाला आप देख रहे हैं ये मेरे चाचा का है, क्योंकि मेरे चचेरे भाई का जॉब नहीं हो रहा था तो ये कबूलती था कि पूरा लाल वाला पहना कर धजा को गाड़ा जाएगा जब नौकरी लग जाएगी। तो इसीलिए नौकरी उनका बैंक में हो गया है अभी छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो कोई भी भगवान का अगर आप सेवन करिए तो शक्ति तो ज़रूर होती है, विश्वास होना चाहिए बस। और यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे सारा फल वल रखा हुआ है, उसके बाद धूमधाम से आरती पूजा सब कुछ होता है, ब्राह्मण भोजन सारे लोग एक साथ मिल बैठकर खाते हैं और बहुत मन लगता है। मैंने अपना इसीलिए क्लिप शूट नहीं किया, आज मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए, जबकि मैं भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हुई थी, साड़ी पहना था मैंने, लेकिन थोड़ा सा फ्रंट कैमरा मुझे मोड़ देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं मोड़ा। चलिए डियर, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।